हेलो फ्रेंड्स, मारे मेरे मंजन, आज हम बात करेंगे किस किस कंपनी के नतीजे हैं और डिविडेंड, बोनस इशू, बायबैक, कौन कौन कंपनी अनाउंसमेंट करने वाली हैं और किस तारीख को। तो अप्रैल और मई के महीने में काफ़ी बड़े बड़े अनाउंसमेंट हैं, काफ़ी बड़ी जानी मानी कंपनीज़ के नतीजे हैं जो कि मार्केट का रुख कहाँ जा सकता है उसे भी डिसाइड कर सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, RBL बैंक, ये सारी कंपनीज़ हैं और यहाँ पे पूरी लिस्ट है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो रिज़ल्ट किस दिन है वो आप ध्यान में रखिएगा ताकि आपको भी आइडिया आ सके कैसे नतीजे आए और उस हिसाब से आप जो है स्टॉक के अंदर हलचल कर सकें या लेना है या नहीं लेना है, इससे आपको इजीली आइडिया आ सकता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो 15 अप्रैल को हैथवे केबल्स का रिजल्ट है, TV18 ब्रॉडकास्ट का भी 15 अप्रैल को फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, TRF लिमिटेड, टाटा मेटेलिक्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्प्लेंडेड मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तो इन सारी कंपनीज़ का रिजल्ट है। और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट 15 अप्रैल को इन सारी कंपनीज़ के नतीजे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 16 अप्रैल को 5 पैसा कैपिटल के नतीजे हैं, विप्रो के नतीजे हैं, प्लस बायबैक के बारे में भी डिसीशन होने वाला है। मैस्टेक लिमिटेड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं और डिविडेंड हैं 16 अप्रैल को, IDBI बैंक के अदर बिजनेस मैटर्स, डेन नेटवर्क्स के भी रिजल्ट 16 अप्रैल को हैं। उसके बाद 17 को अगर आप देखेंगे, क्रिसिल, टाटा स्टील, BSL लिमिटेड और माइंट्री, इन तीनों कंपनी के नतीजे हैं, प्लस डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करने वाली है माइंट्री। उसके बाद 18 तारीख को देखेंगे, DCB बैंक के नतीजे हैं प्लस डिविडेंड है, काफ़ी अच्छा बैंक है, उत्तम गैल्वो स्टील्स लिमिटेड के नतीजे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 17 को माइंट्री के फाइनेंशियल रिजल्ट, 18 को स्पेस नेट एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड के भी नतीजे हैं, टाटा स्पॉन्ज, RBL बैंक जो कि काफ़ी लोगों के पास है, और इन रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये एक सबसे बड़ा जो है फोकस सेबल स्टॉक है और डिविडेंड भी कंपनी डिक्लेयर करेगी 18 को, और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी हैं। और ICICI लोम्बार्ड, जय भारत, मारुति लिमिटेड 18 को ही इनके नतीजे हैं। उसके बाद 19 को अगर आप देखेंगे तो टाटा कॉफ़ी, FCS सॉफ्टवेयर, HDFC बैंक 20 तारीख को नतीजे हैं, ये भी आपको देखना चाहिए क्योंकि जो अच्छे कंपनीज़ हैं उसके अंदर अगर आप नतीजे अच्छे आते हैं तो मार्केट को इजीली संभालते हैं। उसके बाद 22 तारीख को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्वराज इंजिन्स, तेजस नेटवर्क्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इनके भी नतीजे हैं। तो काफ़ी बड़ी कंपनीज़ के नतीजे हैं, प्लस डिविडेंड भी कंपनी देने वाली है, कोई बायबैक दे रहा है। तो 23 तारीख को स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के नतीजे हैं प्लस डिविडेंड भी हैं। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस की 23 तारीख को नतीजे हैं प्लस डिविडेंड भी देने वाली हैं। मैनन बियरिंग्स लिमिटेड, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, ICICI सिक्योरिटीज़, ACC लिमिटेड, इनके भी नतीजे हैं प्लस कोई कंपनी डिविडेंड भी देगी। 24 तारीख को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के नतीजे हैं, एग्रोटेक फूड लिमिटेड, सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा ELXSE लिमिटेड, श्रीराम सिटी यूनियन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, ICICI प्रोडेंशियल, भारतीय इंफ्राट्रेल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, ऑटोमेटिव स्टैंपिंग्स, 24 तारीख को इन सारी कंपनीज़ के नतीजे हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर स्टॉक है तो। और इसका अगर 25 तारीख को देखेंगे, एक्सिस बैंक, वेसुविस इंडिया लिमिटेड, इनके नतीजे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस के भी 25 तारीख को नतीजे हैं, रैलिस इंडिया, इसके भी नतीजे हैं प्लस डिविडेंड भी देने वाली है, ओरिएंटल होटल्स नतीजे हैं प्लस डिविडेंड, सीएंट लिमिटेड, GHCL, एपकोटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिविडेंड है प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट्स है प्लस स्टॉक स्प्लिट, तीनों चीज़ें होने वाली हैं 25 तारीख को। आदित्य बिरला मनी, इनके भी 25 तारीख को, बायकॉन लिमिटेड, इनके भी 25 तारीख को नतीजे हैं, अतुल लिमिटेड, येस बैंक लिमिटेड, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं प्लस डिविडेंड है 26 अप्रैल को। उसके बाद अगर आप देखेंगे, मर्स सेटर लिमिटेड, हीरो मोटोकॉप,
इनके भी जो है नतीजे हैं। 26 को डिविडेंड भी हीरो मोटो कॉर्प डिक्लेयर करने वाली, काफ़ी अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर करती है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल्स, HDFC असेट मैनेजमेंट, इनके भी नतीजे हैं। तो ये दोनों कंपनीज भी फोकस में रहने वाली हैं। फोकस ऑन इंडिया लिमिटेड, DIC इंडिया लिमिटेड के भी नतीजे 26 को हैं। उसके बाद 27 को देखेंगे चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट, परसिस्टेंट सीमेंट्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, इनके भी नतीजे हैं 27-28 को, और डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाली हैं। तो कैन फिन होम्स लिमिटेड, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, शॉपर स्टॉप, सावरिया कंज्यूमर, इनके भी फाइनेंशियल रिजल्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक, प्योनर डिस्टिलीज, डेटा मैट्रिक्स ग्लोबल सर्विसेज। तो 30 तारीख को इनके नतीजे हैं, प्लस डिविडेंड भी कोई कोई कंपनी देगी। तो ये सारी कंपनीज जो है इनके नतीजे हैं, फोकस में रहने वाले हैं। RBL बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड, ये सारी कंपनीज तो नतीजे के ऊपर ही डिपेंड करेगा कैसा वो सेक्टर को और स्टॉक मार्केट चलने वाला है। प्लस इलेक्शंस भी हैं, तो इसी सारी चीज़ें को ध्यान में रख के आप ट्रेडिंग करिए। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।